गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ न्यू बलेनो 2022 मॉडल, और ये जेटा मॉडल जो अपना टॉप मॉडल है ना उससे लो एक नीचे आता है बेस वेरिएंट उससे। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल और सारी चीजें बताऊंगा। सो ये साइड प्रोफाइल है इसकी गाइस, क्रोम फिनिश के साथ आती है जो जेटा मॉडल है। और इसकी की बात करूँ तो ये इसकी की है, कीलेस एंट्री है। और इसके आते टायर की 195/55 और R16 इंच का लोई आता है इसमें। ये कुछ साइड प्रोफाइल इस टाइप से लगती है, इसकी ग्लोसी लुक लगती है यार, क्लास है एक। और बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो आपसे बैक प्रोफाइल है गाइस, बैक प्रोफाइल भी बाकी वो दिया हुआ है, क्लास है। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा अलग सा लग रहा है, ये बम्पर प्रोटेक्शन है अलग से लगवाया हुआ है। और यहाँ पे आपको जैसा कि है ये कैमरा देता है, यहाँ पे बैक कैमरा, ये सेंसर्स, एक दो सेंसर्स, तीन चार सेंसर आते हैं इसमें। और ये लाइट देखो एलईडी है ये यहाँ पे ना, एक बार मैं दिखाऊंगा, एक बार इस साइड से और दिखा देता हूँ साइड प्रोफाइल। कुछ शानदार लुक में आती है ये। और इसमें सो लाइट से स्टार्ट करते गाइस, तो इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं, यो DRL चाहिए वाले। और ये साइड इंडिकेटर्स है, नीचे फोग लाइट है, और ये आगे फिर बम्पर प्रोटेक्शन लगवा रखा है अलग से। और ये अपना सेंटर में सुजुकी का S लोगो, और ये ब्लैक क्रोम मिलती है आपको। और सेम इस साइड भी वही है, ये DRLs, ये प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ये नीचे फोग लाइट, ये साइड इंडिकेटर्स, और कुछ ऐसी लुक लगती है आगे से आपको। ये साइड प्रोफाइल मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है इसकी। तो ये एक बार साइड प्रोफाइल एक बार और देख लो आप। और ये अलॉय व्हील काफ़ी मतलब अलग है, पहले जो बलेनो आती थी उसमें थोड़े डिफरेंट थे और अब बिल्कुल डिफरेंट दिए हुए हैं। पहले डायमंड कट आते थे तो अभी इस टाइप के आ रहे हैं। ये अलॉय व्हील भी अच्छे लगते हैं काफ़ी, 16 इंच के अलॉय व्हील है ये। और चलो बाकी आप अंदर से एक बार चलते हैं अंदर बैठ के। और ये कीलेस एंट्री है, सेंसर दिए हुए इसमें, ये देखो ये लॉक अनलॉक। सो गाइज अभी इसके डोर से स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल टोन इंटीरियर में आते हैं ये। और ये आपका लेदर फिनिश के साथ दिया हुआ है, बाकी ये कंट्रोल्स है सारे, ये पावर विंडो, लॉक अनलॉक। और ये इस कंपनी के साथ आते हैं कर्टन्स, और जैसे कि आपको एंट्री करते हो तो ये नेक्सा का पैजिंग मिलती है। तो अभी इंटीरियर पे चलते हैं गाइज। सो गाइज और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक तो नहीं आता, मैनुअल आता है सीट ये अप एंड डाउन करने के लिए, जैसे कि आगे हो गई पीछे हो गई, ये ऊपर नीचे करने के लिए। देखो आपको दिख रहा होगा ये ऐसे नीचे हो जाएगी, और ये मैनुअली यहाँ से आगे पीछे करने के लिए। सो गाइस की लेस आपको पता ही है, यहाँ से ये ऑन ऑफ का ये वन टच स्टार्ट है, तो आपको कुछ ऐसा फील होता है स्टीरियो। सो इसके इंटीरियर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल्स है वॉल्यूम के, और ये मोड है, और यहाँ पे ये कॉल, ये वॉइस कंट्रोल है, एलेक्सा बोलेगी एक कॉल एंड के लिए, ये उठाने के लिए जो भी होता है वो भी। और ये लाइट्स के कंट्रोल है, मतलब फीचर्स काफ़ी दिए हुए हैं इसमें। ये आपकी इंस्ट्रूमेंट वो डिस्प्ले मिलती है इसमें, माइलेज दिखा रही है 18 की, हाँ इतने की देती है, लोकल में थोड़ा कम देती है। बाकी स्पीडोमीटर है या RPM वाला, और कुछ इस टाइप की इसकी स्क्रीन है, टच स्क्रीन है ये। ये FM मोड है, और यहाँ पे आपका AC के कंट्रोल से ड्यूअल टोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC है। मतलब ये वाला अब की बार ये जो बलेनम दिया है ना, ये लुक काफ़ी अग्रेसिव लगता है। और ये अपना भाई टेम्परेचर डाउन करने के लिए, और कुछ इस टाइप का ये है। आगे से फ्रंट प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे गियर मैनुअल के साथ आती है, यहाँ पे कुछ स्पेस, और ये यहाँ पे भी कुछ, ये आर्म रेस्ट है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाता है आपको। तो कंफर्ट तो काफी है, एक बार पीछे से और दिखा देता हूँ आपको। और सो गाइज इसकी एक ग्राउंड क्लियरेंस भी है ना लास्ट वाली बलेनो से बढ़ा दी गई है, 170 mm की आती है। और इसको एक बार बैक अपने हिसाब से मैंने आगे की सीट सेट कर रखी है, तो एक बार बैक स्पेस दिखाता हूँ आपको कितना क्या है, एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ।
सो गाइज मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की हुई है, बाकी कंफर्टेबल है। मेरी हाइट है 5'11", तो मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही बैठने में, कंफर्ट हुए एकदम में, और अच्छा खासा स्पेस मिलता है अपने आप को। एक बार मैं आगे की फ्रंट प्रोफाइल दिखा देता हूँ, बैक से ऐसे लगते, काफ़ी अग्रेसिव लुक है इसका। मैं नहीं कहता कि हाँ पुरानी बलेनो ठीक थी, उसमें भी स्पेस अच्छा था, पर इसकी लुक है जो और इंटीरियर है ना वो ओके रिपोर्ट है, इसको कह सकते हैं अलग ही लगता है अपना, एकदम बिल्कुल डिफरेंट। और यहाँ पे भी एसी इवेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए दो यूएसबी पोर्ट्स, एक टाइप सी और एक नॉर्मल, और बाकी डोर ये कर्टन्स कंपनी से ही आते, कंपनी फिट। स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस की कुछ इस टाइप का, काफ़ी मतलब यहाँ पे 3-4-5 लगेज आराम से आ सकते हैं, तो काफ़ी है। और ये बैक वाइपर, और इसके आप इंजन पे चलते हैं, इंजन दिखाते कितने सीसी का आता है। सो गाइज इसके इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर के साथ 1197 सीसी का इंजन आता है, पेट्रोल इंजन है। और ये देखो नीचे, ये सबसे अच्छी चीज लगती है मेरे को, नीचे बिल्कुल सेफ्टी के लिए कवर किया हुआ है। और ये कुछ इस टाइप का आपको इसका इंजन दिखेगा। सो गाइज इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस होती है, इस वाले की जो जेटा वेरिएंट है इसकी प्राइस तो 9,62,000 ऑन रोड है, और वैसे स्टार्ट हो जाती है ये 6 या 7 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और 12 तक जाती है टॉप मॉडल, मतलब 10-11 के समथिंग जाती है टॉप मॉडल। और ये इसके देखो, ये काफ़ी DRL से काफ़ी रात को काफ़ी अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लुक देते हैं इसको। सो गाइज जैसा कि आपने देख लिया, सारी चीज बता दिया मैंने, एक बार आपको और दिखा देता हूँ इसको, ये देखो क्या लुक है यार। पर आपको बैक और बैक से और दिखाता हूँ, बैक सीट्स और आगे से फ्रंट में बैक सीट कैसी लगती है वो और दिखाता हूँ आपको, कुछ इस टाइप की लगती है यार, काफी यार मतलब क्लास है बलेनो जो आप बनाई है, लुक वाइज भी अच्छी है। बट इसमें एक सनरूफ की कमी है, जो अभी ब्रेजा में सनरूफ आ रहा है बट इसमें नहीं है अवेलेबल अभी। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये भी बोलती है फर्स्ट टाइम देखो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माई, एंड गाइज एट लास्ट शेयर लाइक सब्सक्राइब सारी चीजें कर दो यार।